मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा को फ्लॉप बताते हुए झामो के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जेपी नड्डा अपने प्रदेश में चुनाव नहीं जिता सकते तो झारखंड में क्या कर पाएंगे। वहीं बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह ने कहा है कि झामो ऐसी भीड़ नहीं कर सकता और केवल रांची जिला के भाजपाइयों ने झामो की चिंता बढ़ा दी है। हमको लगता है कि कुछ लोग जो जिनको हम कह सकते हैं कि सावन के अंधे हैं, उनको हर वक्त हरा हरा ही नजर आता है। कल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए थे, बहुत तामझाम था। शहर तो ऐसे लग रहा था कि कोई मेघदूत आने वाला है, लेकिन जब यहाँ पर आए और भाषण शुरू किए तो हमको लगता है कि बाबूलाल जी से लेकर नड्डा जी तक को हकीकत मालूम चल गया कि अब नुक्कड़ सभा के अलावा इनके पास और किसी भी तरह का सभा करने का जन आशीर्वाद नहीं है। मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं कि बाहर से जब लोगों को लाते हो तो कम से कम जो हाट बाजार का दिन है उस दिन चौकी लगाकर हाट बाजार में सभा करवा दो, तो कम से कम हमारे प्रदेश के एक रहेगा कि कम से कम कुछ लोग तो सुनने गए थे, भले आलू प्याज खरीदने गए, लेकिन मानेंगे नहीं। लगता है कि संकल्प के बाद पूरा जमादेश उनके साथ हो गया है। ये रैली कम से कम 50,000 की संख्या कल थी, पूरा हरमू मैदान आपका खचाखच भरा हुआ था, मीडिया के भी लोग आप लोग वहाँ मौजूद थे, जबकि ये सिर्फ रांची जिला की रैली थी। ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्षियों को देखना चाहिए कि भाई ये सिर्फ एक जिला में भारतीय जनता पार्टी के 50,000 कार्यकर्ता उमड़े, सिर्फ 6 विधानसभा रांची जिला के 6 विधानसभा का ही संकल्प जाता था। ये 75 विधानसभा में बाबूलाल जी की अलग अलग सभा हुई, सभी संकल्प जाता हमारे माननीय अध्यक्ष जी का हर विधानसभा में प्रवास हुआ, हर विधानसभा के आप संकल्प जाता को देखें तो हर जगह काफ़ी जनता और कार्यकर्ताओं का जो जनसभा उमड़ा। ये तो सिर्फ एक जिला का था, 6 विधानसभा का था, पूरे राज्य की तो ये रैली नहीं थी। उसके बाद भी हरमू मैदान कहाँ खाली था बताइए आप, अगर हरमू मैदान में कहीं जगह खाली हो, जितने हरमू मैदान में लोग भीतर में थे उतने लोग बाहर में भी टहल रहे थे, जगह नहीं था अंदर आने का। तो इसलिए अब जब हमारे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा या अभी जो विपक्ष हम लोग के हैं वो तो कहेंगे ही फलो, वो कभी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अभी अगर वही झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर रैली रहता हम लोग भी बोलते भाई उसका रैली फलोप हो गया। ये तो सामान्य तो बात है, ये तो कोई नई बात नहीं है। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।